بهم حر الجحيم الحار وابلت المصطفى مرتضى ليس لهما هما من بعدهم بدراني شحال الآن خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والباقي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ناظرين الكرام आज के इस दस में फलसफ नजर तारीख़ के अनवान से आपकी खिमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसे स्पेकुलेटिव हिस्ट्री ऑफ फ़लासफ़ी ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है फ़लसफ नजर तारीख़ किसे कहा जाता है किसे कहते हैं दुनिया में जितने भी मकातिबिक्र हैं जितने भी मज़ाहब अध्यान और मकतब फ़िक्र जो इंसान की हिदायत के लिए अपने पास कोई बरनामा रखते हैं वो लोग अपने मकतब फ़िक्र को बेहतर अंदाज़ में बयान करने के लिए फ़लसफ़ तारीख़ भी बयान करते हैं फ़लसफ़ तारीख़ का मतलब ये है कि हम पूरी तारीख़ को अज्जा को हम नहीं देखेंगे बल्कि पूरी तारीख़ को जितने भी इंसान रोज़ अव्वल से आए हैं और क़यामत तक इस पूरी तारीख़ इंसानियत को एक ज़िंदा मौजूद के तौर पर हम देखेंगे एक जिंदा मौजूद की सूरत में ये सवाल उठाया जाता है कि इस तारीख़ का आगाज़ किस तरह हुआ ये तारीख़ इसका अंजाम कैसे होगा और इसका हदफ़ क्या है ये तीन अहम सवाल हर फलसफा तारीख़ में हर मकतब फ़िक्र के लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं फ़लसफ़ा तारीख़ बीसवीं सदी में इसका आगाज़ हुआ कार्ल मार्क्स और हेगल जैसे लोगों ने इस नज़रे को मथरा किया उन्होंने तो इस तनाजुर में अगर हम मार्क्सिज्म के नज़रें को देखें कि जब कार्ल मार्क्स ने अपना कम्युनिज्म का नजरिया पेश किया तो उसने अपने इस नज़रिए को तारीख़ में एक जिंदा एक मौजूद की असर से तारीख की भी तशरीह की मार्क्स बयान करता है कि पूरी इंसानियत की तारीख़ पांच मरहलों में गुज़रती है सबसे पहला मरहला फर्स्ट कमन का दौर है और सबसे से आखिरी दौर लास्ट कमन का दौर है और इसके दरमियान में ग़लमी बर्देदारी का दौर है फ्योदाजम का दौर है सरमाएदारी का दौर है तो तारीख़ का, का आगाज़ और तारीख के इंतहा को वो कमन नजरिए के आसास पर और उसी कमन नजरिए के ज़रिए से उसकी तहरीर करता है मार्क्स बयान करता है कि शुरू में जब इंसान आम इंसान जो पहाड़ों में जंगलों में ज़िंदगी गुजारते थे उस दौर में इंसान न ज़मीन का मालिक था न किसी अफज़ार का मालिक था इंसान मिलकर शिकार करते थे और शिकार की हुई शय को लाकर आपस में मिलकर खाया करते थे उस दौर में न कोई इंसान शिकार का मालिक हुआ करता था न ही कोई इंसान जंगलों पहाड़ों बागात का मालिक हुआ करता था इंसान मुश्तरक तौर पर ज़िंदगी गुजारते थे और इसी अंदाज में वो एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते थे ये था फर्स्ट कमन का दौर उसके बाद जब इंसान कुछ आगे बढ़ता है तो इंसान के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि क्या ज़रूरत है कि हम हर रोज़ शिकार करने जाएं? हम खुद शिकार को शिकार करके लाएँगे जिंदा तौर पर रखेंगे अपने पास जब भी हमें भूख लगेगी जब भी हमें शिकार की ज़रूरत महसूस होगी हम उसी जानवर को खाकर अपना गुज़ारा करेंगे तो दूसरे मरहले में इंसान ने शिकार की खातिर ज़मीन की के लिए दायरा बनाया उन्होंने एक महदूदा बनाया उन्होंने और अपने मवेशियों को अपने उस जानवरों को उस बाढ़ के अंदर उसी हिसार के अंदर उन्होंने महदूद करके रखा करते थे अब यहाँ से मिल्कियत का आगाज़ होता है अब यहाँ पर जिस इंसान ने वो भाड़ बनाई है जिस इंसान ने वो हिसार लगाई है वो इस बात का दावेदार बन जाता है कि इस मवेशी गाह इस जगह का मैं मालिक हूँ अब यहाँ से मिलकियत का ज़माना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के साथ साथ लोगों ने इंसान ने इंसानों को ग़ुलामी के तौर पे उसको क़़ैद करके रखना शुरू कर दिया गुलामी और कनीज़ी का दौर शुरू होता है इस दौर में इंसानों ने कुछ इंसान मालिक हैं और कुछ इंसान गुलाम हैं जो मालिक है वो गुलामों को इस्तेहसाल करते हुए उन लोगों की क़ुदरत से उनकी ताकत से अपने फ़ायदे के लिए अपने मफाद के लिए उन्हें इस्तेफादा करते थे तो ये दूसरे मरहले में बरदारी का दौर रस्मी तौर पर शुरू हो जाता है चलते चलते फ्योदॉलज़म का दौर आता है एक तरफ़ ज़मीन का मालिक होता है और दूसरी तरफ ज़मीन पर काम करने वाले काश्तकार हारी और मज़दूर लोग होते हैं जो ज़मीन का मालिक होता है वो इस क़दर قدر कुदरतमंद होता है ज़मीन पर काम करने वाले हारियों को भी ज़मीन के साथ फ़्रोत क्या करते थे इसी तरह जब सरमायदारी दौर का निज़ाम शुरू होता है तो अब ज़मीन यहाँ नहीं बल्कि कारखाने हैं कुछ लोग जो कारखानों के मालिक हैं उन्होंने वही गुलामी, वही फ्योदालज नज़रिए के ज़रिए से ग़रीब और मेहनत कश मज़दूरों को इससाल करना शुरू कर दिया कम से कम तनख्वाह पर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया करते थे तो इस तरीक़े से लोगों में बेदारी पैदा हुई लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि हम इस क़दर मज़दूरी करते हैं इस क़दर मेहनत करते हैं लेकिन हमें हमारी मज़दूरी और मेहनत का हक पूरा नहीं मिलता तो यहाँ से मजदूरों में बगावत शुरू हो जाती है इनकलाब इन्किला, कम्यूनिज़म का शुरू हो जाता है और लोगों में ये ख्याल पैदा होता है कि अब हर इंसान मसावी है और आगे जाकर मार्स कहता है कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जैसे उसने लास्ट कमन के तौर पर उसने उसकी तबीर की है कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी चीज़ उसको ज़रूरत होगी उतना ही वो माशरे में जितने वसाइल हैं इम्कान है उसे इस्ता करेगा और पूरे लगन के साथ काम अंजाम देगा ये लास्ट कमन का दौर होगा जिसमें सब चीज़ें मुश्तरक होंगी कोई इंसान किसी चीज़ का मालिक नहीं होगा तो ये एक नज़रिया है कि जिसे मार्स ने फलसफ तारीख की सूरत में बयान किया है अब आइए दूसरी मगरबी नज़रिए सरमायदारी निज़ाम में हम देखते हैं कि सरमायदारी निज़ाम में फलसफा तारीख़ किसे कहते हैं सरमायदारी निज़ाम में इसकी बुनियाद इंसान की जात के ऊपर महवर है ना खुदा का वजूद है न खुदा का कोई इस इंसान के बनाने में कोई नक्श है इंसान मादे से बना है मेट्रियज़म नज़रिए के लोग इस बात के कायल हैं कि यह पूरी कायनत इस कायन में मौजूद सारे अशिया जितने भी जानदार हैं जितने भी जानवर हैं ये सब के सब एक मादे से बने हैं ये मादा इस क़दर तरक्की करते करते इस मरहले पर पहुँच गया है कि कहीं पर हमें हैवाना की सूरत में नजर आते हैं कहीं पर मछलियाँ परंदे समंदर के अंदर गुजारने वाले हैवान और कहीं पर हमें इंसान की सूरत में एक मखलूक हमें नज़र आता है तो इंसान पहले बंदर की सूरत में था तामुल पाते पाते वो इंसान की सूरत में आज हमारे सामने मौजूद है डारव डार के नजरिए को इन्होंने ध्याया किया इन्हीं लोगों की सारे नजरिए की बुनियाद इसी पर है कि इंसान तकाम पाते पाते इस मरहले पर पहुँच गया है जबकि इंसान का आगाज़ मट्टी से है तो बस उसका भी कोई हदफ नहीं इंसान के लिए कोई कयामत नहीं कोई सवाल जवाब नहीं जब इंसान मर जाएगा तो एक मट्टी की तरह एक पत्थर के मानन हो जाएगा उसकी कोई हैसियत नहीं जब तक इंसान ज़िंदा है इस दुनिया में वो इस दुनिया की लज्जतों से इस दुनिया के फ़वाद से इस्ता करता है और जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद उसका पूरा वजूद ख़त्म हो जाएगा न इंसान के लिए कोई रूह है न इंसान के पास कोई आमाल साल और आमाल खैर और इस किस्म की दूसरी कोई चीज़ें हैं न इस दुनिया में फरिश्ते हैं ना इस दुनिया में खुदा है न कोई नबी आया है यह है मादी ग्रा मेट्रियज़म के लोगों का नज़रिया इस नज़र के मुताबिक इंसान की इंतहा नाबूदी है इंसान का हदफ़ इस दुनिया में यही है कि वो इस दुनिया से जितना फ़ायदा उठा सकता है उठाए इसलिए कि जब इंसान मर जाता है वो नाबूद हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो ये मगरबी यूरोप में जो दो मुहिम नजरिए हैं वो आपकी खबर ने बयान की है अब आइए मश्रकी एशिया में आप हम आकर देखते हैं कि हिंदू मजहब में जो उन्होंने फ़लसफ तारीख़ बयान की है उसके मुताबिक इंसान शुरू में अपने रब के नज़दीक उसको जो क़ुरब हासिल था आहिस्ता आहिस्ता उससे जुदा हो जाता है अब इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अगर वो नेक अमल अंजाम दे अगर वो अच्छे काम अंजाम देगा तो नए जन्म में अगले जन्म में उसे अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है और अगर उसने इस दुनिया में ग़लत अंदाज़ में अगर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी तो इस सूरत में नए जन्म में वो एक हक़ीर और शायद हकीर इंसान और शायद किसी जानवर की सूरत में वो नए जन्म में दुनिया में आए यह सिलसिला ये, ये चक्कर चलता रहेगा जब तक कि वो अपने उस आला मरले तक ना पहुँचे जिसे निर्वाणा कहा जाता है तो इस हिंदू मज़हब में भी क़यामत का वजूद नहीं बल्कि जो कुछ है इसी दुनिया में है हर इंसान इस दुनिया में अगर अच्छा अमल अंजाम देगा तो नए जन्म में उसे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी और अगर इस दुनिया में अपने इस जन्म में अगर उसने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी नेक और अच्छा किरदार उसका नहीं होगा तो नए जन्म में भी उसकी ज़िंदगी इस आमाल की वजह से मुतासर होगी आज की इस दुनिया में अगर एक इंसान मजबूर है अगर गरीब है तो हिंदू नजरिए के मुताबिक उसने पिछले जन्म में उसका किरदार अच्छा नहीं रहा है तभी वो इस हालत में मुबला हुआ है तो क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व इंसान के बारे में इंसानी तारीख़ के बारे में क्या बयान किया है तो आइए अब फ़लसफ़ा तारीख़ को क़र मजीद की रूह से देखते हैं कि किन मजीद में परार मुताल ने इंसान के बारे में क्या इरशाद फरमाया है जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में शुरू में बयान किया था कि फ़लसफा तारीख़ में तीन अहम सवाल उठाए जाते हैं उनमें पहला सवाल ये है कि तारीख़ का आगाज़ किस तरह हुआ तारीख़ का अंजाम कैसे होगा और तारीख़ का महरक क्या चीज़ है तो जब इस पहले सवाल के जवाब हम कुरान मजीद में देखते हैं तो सुरह बकर की आयत नंबर तीस में परवरदगार मतल शा फरमाता है कि वह इस कल रब का लिलमलाइक जा खलीफ़ा कलो अतज अलो मै युफोफीहायसफ कुमा व नहन न सब्ब हो बे हमद क व नक़दसल काला ये पहले सवाल का जवाब है परवरदार मुताल ने जब हज़रत आदम की तख्लीक़ करनी चाहिए तो फ़रशों से ख़ताब करके फ़रमाया कि इन्नी जा फ़िलज़ खलीफ़ा कि मैं रोए ज़मीन पर अपना खलीफ़ा और जानशीन बनाना चाहता हूँ तो जब फ़रिश्तों को अल्लाह के इरादे का इल्म होता है तो फरिश्तों ने सवाल किया कि बारा अतच अलो फी मैं यूँ उफेदो फीहा कि क्या तू ऐसे मौजूद को अपना खलीफा ज़मीन पर बनाएगा कि जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं वह यस्फुदमा जो हनरिज़ी करते हैं वह नहनो नो नो बे हो बेहमदिकख ए मेरे मबूुद हम तेरी तस्बी करते हैं तेरी तकदीस करते हैं यानी हम खिलाफत के मुस्तहक़तर हैं तो परवरदिगार ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इन्नी आलमो माला मालत कि ए मेरे फरिश्तों मैं तुम लोगों से ज़्यादा आशना हो मुझे वो वो कुछ मालूम है जो तुम्हें नहीं मालूम तो इस खिलाफत और जानशीनी का माना क्या है क्योंकि हम दुनिया में जब किसी को जानिशीन बनाते हैं इस सूरत में बनाते हैं कि हम उस जगह से जब चले जाते हैं तो अपने बाद किसी को जानशीन बनाते हैं जब नबी करीम की ज़ात इस दुनिया से रहलत फरमाती है तो आपके बाद जो भी आपके मसंद पर बैठेगा वो खलीफा होगा वो खलीफा रसूल होगा इसलिए कि रसूल की ज़ात नहीं है आप अब।, अब रसूल के बाद जो भी आएगा वो रसूल का खलीफा होगा तो क्या खुदावंद मताल नवजुबिल्ला इस रोए ज़मीन पर कहीं चला जाएगा कि इंसान को अपना खलीफा बनाएगा क्या खिलाफत का यही माना है जबकि हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि कायनात के जर्रे जर्रे में जहाँ जहाँ पर भी वजूद शे का ताल्लुक़ रखता है बल्कि उससे भी बालातर हर जगह पर खुदा का वजूद मौजूद है तो फिर ये खिलाफत किस माना में है ये जानशीनी किस माना में है साहिब तफसर अलमिज़ाना सद से महमदन तबा तबाई रमतल बयान फरमाते हैं कि ये खिलाफत यहाँ पर वो खिलाफत नहीं जो हम दुनिया में समझते हैं कि एक शख़्स चला जाए उसके बाद कोई दूसरा शख्स उसका जानशीन बन जाए बल्कि खिलाफत यानी तमाम कमालत इलाही तमाम असराराही तमाम सिफ़ात इलाही का मजहर खुदा वंद मताल ने इंसान को करार दिया ये कोई मामूली बात नहीं थी ये जानशीनी एक ऐसी शय थी कि फ़रिश्तों ने लालच में आकर कहा कि परवरदिरा हमें बना कोई खिलाफत का अहदा कोई मामूली अहदा नहीं था यदि कोई मामूली होता तो फरिश्ते हरगिज एतराज़ न करते बहरहाल तो ये खिलाफत का माना इस आय करीमा में एक अजीम मतलब है यहाँ पर कि जिसे समझने के लिए हम आयत के बाक़ी हिस्सों को हम जब मुताला करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि यह खिलाफत कोई मामूली खिलाफत नहीं थी तो जब परवरदिगार ने फरमाया कि मैं रोए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊँगा तो फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगारा तो ऐसे शख्स को अपना खलीफा बनाना चाहता है कि जो खनरीज है जो फसाद फैलाता है देखिए फरिश्तों को कहाँ इल्म हुआ कि आदम यानी इंसान रोए ज़मीन पर खनरिजी करने वाला है इसलिए कि उसे मालूम फ़रिश्तों को मालूम था कि आदम मट्टी से बना है और मट्टी की तबीयत में ये तज़ाद है मट्टी की तबीयत में जंग है उसकी तबीयत में खून रिजी है तब खुदा ने फरिश्तों के सवाल का जवाब इनकार की सूरत में नहीं दिया ये नहीं फरमाया कि आदम और इंसान खून रिजी नहीं करेंगे रोए ज़मीन पर फसाद नहीं फैलाएंगे। इस बात का भी रसो अल्लाह ताला ने इनकार नहीं किया लेकिन इंसान का जो दूसरा बोध था उसे परवरदार मुताल ने फ़रिश्तों के सामने दिखलाया और वो किस किसत में था कि वो वह अल्लाम कुल्ला, हज़रत आदम, आदम को सारे के सारे आसमा सिखला दिए और उसके बाद उन्हीं इसमा को फरिश्तों के सामने अर्ज़ा किया फिर परवतगार ने फरमाया कि अम बनी वे आसमाए हाओ लाए इनको तुम सदी कि मुझे ज़रा बतलाओ ये आसमां जो मैंने तुम्हारे सामने अर्जा किया है बताओ मुझे ये आसमां कौन से आसमां हैं तो फरिश्तों ने कहा कि बार लाहा ला इल्ला मा ला मा तना कि हमारे पास वही इल्म है जो तूने हमें सिखलाया है यानी हमारी इल इल्म की ज़रफेद महदूद है जो कुछ तूने हमें सिखलाया हमें सिर्फ उतना ही मालूम है तो फिर परवदिगार मुताल ने आदम से फ़रमाया कि ए आदम अब तुम्हारी बारी है तुम बतलाओ उन नामों को तो जब हज़रत आदम ने एक एक करके उन असमान का नाम ऐलान किया तब परदार मुताल ने फरिश्तों से फरमाया कि उस जुदोल आदम देखो मैं खुदा हूँ मेरे लिए सजदा करते हो अभी आदम मेरा जानशीन है मेरा खलीफा है अब तुम भी इसके लिए सजदा करो तो नजरिन महतरम आज की इस दरस में मुख्तर तौर पर मैंने इब्तदाई चंद बातें हर्स की हैं आइंदा दुरुस में हदफ खिलकत इंसान और इसी तरह इंसान की तारीख़ का महर्रक क्या है और जो फ़रिश्तों ने इतराज़ उठाया था और ख़ुदा ने कहा कि ये मेरा जानशीन होगा क्या वाक़ा आज तक इस रोए ज़मीन पर खुदा का निज़ाम इलाही निज़ाम बरकरार हुआ है कि पूरे रोए ज़मीन पर जब फरिश्ते देखें कहीं पर भी न जुल्म हो कहीं पर भी ना कुफ्र हो न शर्क हो हर जगह पर अल्लाह के मानने वाले हों और अल्लाह का निज़ाम इस पूरे रोए ज़मीन पर नाफ़ हो तो तारीख़ी एतबार से आज तक कहीं भी कभी भी किसी भी लम्हे ये वाक़ रुख नहीं पाया है तो बस मालूम होता है कि अब तक जो वादा परवरदार मुताल ने फ़रिश्तों से बयान फरमाया है कि मैं रोए ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊँगा वो खिलाफत अभी तक महक नहीं हुई है क़ुरानी आयात के रू से इनशा आइंदक दर उसमें आपकी ख़िमत में बयान करूँगा ये खिलाफत लाही किसे कहते हैं और कौन कौन लोग कौन कौन से लोग हैं कि जो इस खिलाफ इलाही के मुसाइ हैं और कब ये खिलाफत इलाही ये निज़ाम इलाही अपनी जगह पर मस्तकम और बरकरार होगा पर मतल की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदगारा फक् महमदाल ताहरीन इस रोए ज़मीन पर खुदा का जो हकी जहानशीन है जो खुदा का बतौर आत्म मजदाक हकीकी खलीफा है उसके जोर में ताजील फरमा और हम तमाम को इमाम जवान के सिपाहियों में शामिल होने की तोफ़ी नसीब फरमा असल वरहत ला वरक़